सुन रहे हो ना। तो डेनियल सेल जो है जीरोक्स है किसका, गैल्वेनिक सेल का। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, हूबहू वही होता है, ठीक ना। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। एग्जाम में आ जाएगा डेनियल सेल के बारे में तो यही करोगे, गैल्वेनिक सेल आएगा तब भी यही करोगे, रेडॉक्स सेल आएगा तब भी यही करोगे, और कौन सा वैद्युत रासायनिक सेल आएगा तब भी यही करोगे। कोई बस इसीलिए तो इसमें क्या है तुम्हारा, ठीक ना। डेफिनेशन भी सेम, ठीक ना। ऐसा युक्ति चाहे ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल। उसी प्रकार गैल्वेनिक सेल का एक प्रारूप है तुम्हारा कौन, डेनियल सेल। अब इसमें प्रोसेस कैसे होता है ये समझना है, इसमें बैटरी में क्या करंट का फ्लो कैसे होता है इसमें यह समझना है, ठीक ना। तो देखो गैल्वेनिक सेल बोले चाहे डेनियल सेल, ध्यान समझना इसका, ठीक ना। क्या है, क्या इसमें क्या करेंगे, दो कंटेनर होता है, किसका होता है, दो कंटेनर। ये देखो एक ले लिए किसका, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिए, किसका ले लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिए। तो जिंक का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक धातु को हम लोग डुबो देंगे, कहाँ पे डुबो देंगे, हाँ जिंक सल्फेट के विलयन में क्या कर देंगे, हम लोग डुबो देंगे, ठीक है ना। ये देखो तो अगर हम इसको क्या लिए हैं, क्या लिए हैं, जिंक लिए हैं, तो ये किसका चीज का रहेगा, विलयन क्या चाहिएगा, हाँ जिंक सल्फेट का रहेगा, ठीक है ना। ये जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना। अब इसको तुम लोग क्या कर लेना, पेंसिल सेडेड कर लेना, ठीक है ना। क्या कर लेना है, पेंसिल सेडेड कर लेना, क्योंकि ये रोड है, ठीक है ना, खोखला रोड नहीं है, रोड है, टोटल रोड रहेगा। तो डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये ले लिए, हाँ ये एक इलेक्ट्रोड ये ले लिए, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रोड तुम्हारा जस्ट साइड में रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, कांपर का ले लेते हैं, जो कि फेमस है। लेकिन इलेक्ट्रोड किसका किसका बना सकते हैं, क्या कांपर और जिंक का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, नहीं, कांपर और जिंक का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, बहुत मेटल का बना सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें हम क्या किए, किसका रोड डुबो दे रहे हैं, किसका, कॉपर का रोड को, हाँ डुबो दे रहे हैं, ठीक ना। ये देखो ये किसका है रोड, कांपर का। अगर ये कांपर है तो बिलियन किसका रहेगा, हाँ कांपर सल्फेट का रहेगा, ठीक ना। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, पेंसिल से सेडेड कर लेंगे, ठीक ना। ये खोखला मेटल कोई नहीं रहेगा, ये पेंसिल सेडेड रहेगा सर, ये देखो, ठीक ना, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। ये देखो दो इलेक्ट्रोड ले लिए ना, ठीक ना, एक किसका ले लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिए, और एक किसका ले लिए, कांपर का इलेक्ट्रोड ले लिए। अब हमें चूंकि क्या करना है, करंट बहाना है, ठीक ना। तो देखो अब कांपर के रिस्पेक्ट में जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब जब त्यागेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तुम लोग क्या करते हो बताओ, तार लगाते हो ना, जैसे तुम्हें बिजली पोल से करंट मिल गया, अपने घर में लाने के लिए क्या हो गया, जब बुलाओगे तार खींचोगे ना, तो इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन वहां कैसे पहुंचेगा, तार लगाएंगे। चलो बहुत अच्छा पकड़ लिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ देखो यहाँ पर हम लोग एक लगा दिए तार, ठीक ना, ये तार लगा दिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, एक तार लगा दिए, ठीक ना। अब हमें बताओ क्या ये कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, छू के देखोगे, नहीं, खतरा है छूने से। तो हम लोग यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, करंट को मापने वाले यंत्र लगा देंगे। तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे क्या, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर क्या है तुम्हारा, सीधा, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर भी सीधा है। मान लो अगर इधर से इधर करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर इधर मुड़ जाएगा, अगर इधर से इधर करंट जाएगा तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, गैल्वेनोमीटर, याद रखे रहना कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हाँ ये विद्युत धारा के डायरेक्शन को मापता है, ठीक है ना, विद्युत धारा को नहीं मापता, विद्युत धारा के डायरेक्शन क्या करता है, बताता है कि करंट इधर से इधर जा रहा है, कि करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। क्या अब देखो करंट तो तार तो एक कितने तार खींचे, एक तो कंप्लीट हो गया, अभी भी करंट आएगा, नहीं अभी भी करंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ही तार खींचते हो घर में, डबल खींचते हो कि नहीं, तो एक तार तो ये रहा, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा जो तार है यहां से लगाएंगे, ठीक है ना, बिलियन से बिलियन कनेक्शन कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, बिलियन से बिलियन को कनेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो ये वाला लॉजिक समझना, क्योंकि एक तार से कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे तुम घरों में अगर मान लो ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है, इसका दो बैटरी का दो कनेक्शन होता है कि नहीं, दो होता है ना। तुम एक तार यहां से निकाले, एक तार यहां से निकाले, यहां से क्या जला लेते हो, यहां से क्या जला लेते हो, बल्ब जला लेते हो कि नहीं, बल्ब जला लेते हो ना। तो एक तार से करंट जाता है मूव करके, दूसरा वाला भी यहां पे आ जाता है, तब कहते हो कि ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट है, नहीं तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो है क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर कनेक्शन कर देंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, चलो देखो यहां पर तार ही रहेगा, लेकिन इसमें केमिकल भरा होता है, क्या भरा होता है,
अब केमिकल क्यों भरा होता है इसका भी एक क्या है, रीजन, क्या है, रीजन है, इसका भी एक रीजन है केमिकल क्यों भरा जाता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहां पे क्या लगा दिया, यहां पे यू आकार का नली, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, यू आकार का नली, देखो यू आकार का है ना, हाँ। और यहां पर क्या करोगे, यहां पे छिद्रदार कोई का लगा दोगे, रुई का कॉटन लगा दोगे, क्या करोगे, रुई का कॉटन लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसमें अभी केमिकल हम लोग डालेंगे, कैसे डालेंगे, देखो अब तुम्हारा क्या, देखो ये तुम्हारा इस पे एक दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। पहली बात कि इसको बोलते हैं लवर सेतु, लिखते चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ लवर सेतु, जिसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज, लवर सेतु है। तो इसका आता है लवर सेतु किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये तो आएगा। और दूसरी बात क्वेश्चन क्या आएगा कि लवर सेतु का क्या काम है, किसमें, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में लवर सेतु का क्या कार्य है। तो याद रख लेना इसका दो कार्य है, तुम लोग देख चुके, पहला तो ये सर्किट को क्या किया, कंप्लीट, यानी परिपथ को क्या किया, कंप्लीट किया। और दूसरा जो है उदासीनता को बनाए रखता है, किसको, उदासीनता। अब उदासीनता क्या है, चलो अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा केमिकल भरा गया है अभी हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां अभी हम लोग क्या किए हैं, तो देखो डेनियल सेल में जैसे जैसे समझा वैसे वैसे लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का ही प्रारूप है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड और एक जिंक का इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड जो भी बोलो, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें दोनों विलयन को संतुलित करने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, लवर सेतु से कनेक्ट कर दिया जाता है। और बिलियन में ये तुम्हारा दोनों सेल में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं मापने के लिए क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब सुनो, ठीक है ना, अब क्या है तुम्हारा, ठीक, अब देखो इस जिंक और ये तुम्हारा क्या है, कॉपर। तो जिंक के रिस्पेक्ट में कॉपर, चाहे कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक, ये दोनों कौन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और कौन लेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये पहले पीछे बता चुके हैं। तो जब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो कैसा, कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाता है, एनोड की कैथोड, हाँ याद रख रहे ना, ये कौन सा ये ध्रुव है, एनोड है, ठीक है ना। और ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा, फिर कैथोड हो जाएगा, इसके बारे में बायोडाटा बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे होगा अब रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसमें केमिकल भी है, जिंक का रोड भी है, इसमें भी सब है, ठीक है ना। अब बन गया तुम्हारा ये बैटरी यानी सेल बन गया। अब देखो करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है ना, ये रहा एनोड, ये जिंक क्या करेगा, जिंक क्या करता है, ध्यान समझना, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनोड पर, कहाँ पर, एनोड पर, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। ये देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, कैसे होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिंक जो होता है, जिंक क्या करता है, जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, यही ना होता है। अब देखो जैसे ही जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बना, जिंक आयन, और क्या बना, दो इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा तुम्हारा, ये रोड पर आएगा कि नहीं, ये रोड पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। और लेकिन जिंक टू प्लस आयन हो गया, अब ये जिंक का शुद्ध रोड है, शुद्ध रोड था कि नहीं, लेकिन अपने आप को तोड़ करके क्या क्या में तोड़ दिया, एक जिंक आयन में और दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहा तुम्हारा। लेकिन Zn2+ कहां गया, ये Zn2+ धीरे से जितना मात्रा रहेगा उतना टूट करके और कहां पे गिर जाएगा, बिलियन में गिर जाएगा, क्योंकि जिंक क्या करता है, अब देखो जिंक का रोड है ना, तो इसमें कितने Zn होगा, जैसे पानी होता है ना H2 होता है कि नहीं, तो कितने H2 होता है, करोड़ों के खानदान होते हैं कि नहीं, उसी प्रकार जिंक का जब रोड है, जिंक का रोड है, तो जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn, तो सिर्फ एक ही Zn होगा, बहुत असंख्य मात्रा में होता है कि नहीं, तबे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तत्व, परमाणु, याद करो परमाणु किसे कहते हैं, इसका सबसे छोटे इकाई को क्या बोलते हैं, परमाणु। और जब एक ही प्रकार के परमाणु को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक ही प्रकार के कितने परमाणु, बहुत सारे, तो देखो Zn बहुत सारे हैं, Zn है कि नहीं, तो इसमें क्या है, ये Zn है, तो Zn क्या किया, Zn2+ में टूटा और दो इलेक्ट्रॉन निकाला, और जैसे ही टूटा तो Zn से ये मैच खा रहा है, ये अपने ग्रुप से Zn को क्या करेगा, निकाल देगा कि नहीं, क्यों निकालेगा, क्यों बोलेगा कि तुम एक ही परमाणु अब नहीं रहे। देखो ध्यान समझना, यही कंफ्यूजन हो जाता है कि टूटा क्यों, क्यों टूटा, समझो Zn कैसे बनाइए, बहुत सारे Zn है कि नहीं, बोला कि हम तत्व हैं, क्या है, तत्व है, लेकिन क्या बन गया, आयन, तत्व और आयन में अंतर होता है कि नहीं, तत्व और आयन में अंतर होता है, ये चार्ज में है, ये चार्ज में, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो जिंक बहुत करोड़ों Zn मान लो 10, ठीक ना, मान लो जिंक के कितने परमाणु हैं, 10 मान लिया, ठीक ना, तो बहुत है, लेकिन मान लिया जिंक के कितने परमाणु हैं, 10, तो 10 परमाणु का ग्रुप बन गया, तो क्या बन गया, ये तत्व बन गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 10 है, ठीक है, तो एक जिंक का परमाणु दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बन जा रहा है, Zn2+। तो ये जिंक, इस जिंक में Zn2+ भी है और Zn भी है, तो Zn के 10 ग्रुप में से एक ग्रुप का हो गया
प्लस बन गया। तो बोलता क्या बोल दिया जिंक, जिंक रोड क्या बोल दिया, तुम मेरे ग्रुप सब निकलो क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं रहे, तब तो नहीं रहे, क्या बन गए आयन। तो धीरे सा अपना जेड एन टू प्लस होता है वो तोड़ करके निकाल देता है। उसी प्रकार तो लोहे पे जंक लगता है तो धीरे से क्या होता है गिरते जाता है, याद करो लोहे पे जंक लगता है ना, तो धीरे से फोर्स लगा कितना छोटे छोटे दाने का तो झड़ जाते हैं कि नहीं, तो इसी प्रकार टूटते हैं। ठीक है ना, अब देखो है क्या जेड एन टू प्लस, अब बताओ ये प्रोसेस, अब जेड एन टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो और इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। ठीक है ना, अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ठीक है ना, अब ये दो इलेक्ट्रॉन ये देखो रोड पर मूव करते हुए कहां जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं, ये क्या मांग रहा है कि हम अब मेरे पे क्या होता है अपचयन होता है, कोई मुझे कितना इलेक्ट्रॉन दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन दीजिए मैं क्या हो जाऊंगा अपचयन हो जाऊंगा, इसका क्या होता है ऑक्सीकरण। तो दो इलेक्ट्रॉन देखो जल्दी से मूव करके जा रहा है किधर, इधर जा रहा है, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, दो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, कांपर पे आ गया। ठीक है ना, अब कांपर पे देखो कैथोड पर, कहां पर, हां कैथोड पर, जिसको बोलते हैं क्या, हाँ अपचयन, अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं हम लोग, कौन सा अभिक्रिया अपचयन। अब जिंक, ठीक ना, जिंक रोड क्या बोलेगा, ठीक है ना, कांपर ना, कांपर क्या बोलेगा, कांपर अब देखो कांपर दो इलेक्ट्रॉन को कब लेगा, पीछे बता चुके हैं, अब जब कांपर टू प्लस के आयन में रहेगा तब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं तो कांपर अभी शुद्ध ले सकता है नहीं, क्योंकि इस पे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी अभी नहीं है। कब कोई इलेक्ट्रॉन मांगता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन देखो अब कांपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यहां से, अब सोचो, अब तुम सोचो, अब ये कांपर राड, ठीक ना, ये कांपर राड अब इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, जब कांपर आड़ इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कांपर भी क्या बन जाएगा प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो मान लो अगर कांपर भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन और इधर से भी इलेक्ट्रॉन, तो माइनस माइनस क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं प्रतिकर्षित, रिपल्सन करते हैं कि नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो अब देखो ये जिंक राड बोल रहा है कि उधर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उधर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, लेना है, लेना किसको है, कांपर को ही, अब जो भी हालत में उसको उसका स्वागत करना है चाहे कोई भी कंडीशन है। ठीक ना, तो देखो अब कांपर राड तो ले नहीं सकता है, अब जब नहीं लेगा तो यहां पर देखो बिलियन में भी कांपर है, है ना, तो बिलियन में कांपर क्या हो जाएगा, अब कांपर सल्फेट कैसे बना होगा, कांपर सल्फेट याद करो, कांपर सल्फेट Cu2 प्लस SO4 2 माइनस बना है कि नहीं, तो कांपर कह रहा है क्या कर रहा है, उधर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके लिए जल्दी से बंदोबस्त कीजिए इसका स्वागत के लिए, तब तो कांपर तो किया नहीं, तो क्या बोल दिया कांपर को बिलियन में, ठीक ना, क्या बोला कि तुम खाली हो आ जाओ ऊपर, तो ये गया कहां पे, जिंक के कांपर के रोड पे गया, अब बिलियन में था, अब उसी में था ना, तो कांपर के रोड पे गया और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आया, देखो कांपर का टू प्लस गया, अब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन आया और क्या बना लिया कांपर, और जैसे ही टू प्लस इस पे आया, इस पे आया ना, जैसे ही आया तो क्या बन गया सी टू प्लस, क्या बन गया शुद्ध कांपर, और शुद्ध कांपर तो यही ना है, इसमें आकर के चिपक गया, क्या हो गया चिपक गया। फिर यहां से क्या किया, अब ये इधर से दो इलेक्ट्रॉन वो भेज रहा है, अब इधर क्या कर रहा है ले रहा है, फिर क्या करेगा, फिर यही वाला रिएक्शन फिर से होगा, इधर कितने परमाणु का है, एक परमाणु, देखो एक परमाणु है ना, फिर क्या करेगा जिंक, फिर एक दो प्लस आएगा बिलियन में, कितना आएगा दो प्लस, फिर से थोड़ा टूटेगा जेड टू प्लस नीचे गिरेगा और दो इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर से आएगा, फिर तार से आएगा, फिर कांपर बोलेगा फिर आ रहा है, फिर कौन आएगा, अब सी यू टू सी यू एस फोर कितने हैं यहाँ पर भी करोड़ों के है ना, तो फिर सी यू टू प्लस निकलेगा, सी यू टू प्लस फिर निकलेगा, फिर सी यू टू प्लस फिर निकलेगा, फिर ये रिएक्शन होगा, तो फिर कांपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर चिपक जाएगा, फिर शुद्ध कांपर क्या बना लेगा कांपर, फिर से इधर से आएगा, ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 ये कांपर क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, हो जा रहा कि नहीं, जिंक है धीरे, सॉरी क्या है ये जिंक, धीरे धीरे क्या हो रहा है नष्ट होते जा रहा है, और इधर धीरे धीरे कांपर क्या हो जा रहा है ये देखो, ठीक ना, यहाँ पर क्या होते जा रहा है ये देखो, खा खा के इलेक्ट्रॉन मोटाते जा रहा है ये देखो, ठीक ना, कभी किसी बैटरी को तोड़ के देखो, हनुमान जी का गदा ऐसे निकलता है बीच से, तोड़ करके देखना, ठीक ना, ये बीज जैसे ही निकालोगे कांपर को ये ऐसे आइसक्रीम टाइप का बना हुआ निकलेगा, मोटा रहता है ये देखो, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक जिंक रॉड यहाँ पे कहाँ हो जाए नष्ट ना हो जाए। लेकिन अब देखो हुआ क्या, अब यहीं पे प्रोसेस नहीं रुका, अब हो क्या रहा है, इधर से तो Zn2+ इधर देखो Zn2+ की मात्रा क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, इधर किसका मात्रा बढ़ते जा रहा है, कहां पर तो चिपक जा रहा है, किसका मात्रा बढ़ते जा रहा है SO4 2- SO4 2- बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है माइनस की संख्या बढ़ते जा रहा है, इधर किसकी संख्या बढ़ते जा रहा है प्लस की संख्या बढ़ते जा रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन तो इधर, अब देखो हाँ थोड़ा इधर भी देख लो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ये तो कंफर्म हो गया ना, ठीक, तो करंट किधर से किधर जाएगा, किधर जाएगा करंट तुम्हारा इधर से इधर जाएगा, तुम लोग हाई स्कूल में ही सीखे हो कि अगर करंट इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो करंट इधर से जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा एक दूसरे का क्या होता है उल्टा अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगा इधर जाएगा, यानी क्या किसका डायरेक्शन है ये, किसका डायरेक्शन है ये विद्युत धारा का ये डायरेक्शन है। अब देखो यहां पर, ठीक ना, अब देखो ये यहां पे क्या हो रहा है, जिंक की मात्रा क्या हो रहा है, जिंक की मात्रा क्या हो रहा है, जिंक टू प्लस की मात्रा बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर सल्फेट माइनस की मात्रा क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ये अब देखो ये चार्ज ये तुम्हारा कंटेनर टोटल किस फॉर्मेट में हो गया,
धनायन बन गया, धन ध्रुव कंटेनर भी, मतलब ये भी तुम्हारा खतरनाक बनते जा रहा है और ये भी तुम्हारा खतरनाक बनते, मतलब कंटेनर भी खतरनाक बनते जा, बिलियन भी। अब बिलियन स्टेबल नहीं रहा, बिलियन स्टेबल है नहीं, बिलियन स्टेबल है ही नहीं है, क्योंकि बिलियन क्या होता है एकदम शुद्ध न्यूट्रल, लेकिन इसमें काक का मात्रा बढ़ रहा है Zn2+, इसमें SO4 में धनायन की मात्रा बढ़ते जा रही है, इसमें ऋणायन की मात्रा बढ़ते जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा कौन काम में आएगा, अब लवर सेतु। पहले यहां पे तार जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, तार, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक यू आकार का नली जोड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, जो डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बना हुआ था वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता था। कैसे, यह प्रोसेस हुआ, देखो इधर से जिंक जल्दी खत्म, उधर से कांपर तैयार, कांपर के रॉड बहुत मोटा निकलता था, ठीक है, तो ये सेल जो है बहुत जल्दी फिनिश हो जाता था, जल्दी खत्म हो जाता था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या बोले कि अगर ये तार लगा रहे, इसमें हम ऐसा बंदोबस्त करें कि ये सेल की मात्रा का वैलिडिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जो 10 दिन चल रहा है वो 50 दिन चले, जो साल भर चल रहा है वो 2 साल चले, मतलब उसकी वैलिडिटी को क्या करने लगे, अब बढ़ाने को सोचने लगे, क्योंकि इसकी मात्रा जल्दी खत्म हो जा रहा था। तो उन्होंने लवर सेतु में, अब देखो इस पे किसको क्या क्या चाहिए, अब बताओ, जेड प्लस है, ये क्या है, माइनस, तो ये न्यूट्रल होने के लिए क्या मांगेगा, ई न्यूट्रल होने के लिए क्या मांगेगा, प्लस। तो हम इसमें ऐसा केमिकल क्यों ना भर दे, प्लस माइनस वाला, जिसको जो आवश्यकता वो खींच लेगा। तो इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं, नाम ही देखो, लवर सेतु, क्या नाम क्या है इसका, लवर सेतु। लवर का मतलब क्या होता है, याद करो स्टार्ट होने से पहले बताए थे ना, लवर का मतलब क्या होता है, जिसमें एच प्लस और ओ एच माइनस ना दिखे। अब यह जरूरी नहीं है तुम्हारा कौन है, तुम डाल सकते हो, किसको डाल सकते हो, KCl डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, KCl डाल सकते हो, और बताओ और क्या डाल सकते हो, K2SO4 डाल सकते हो, और बताओ क्या डाल सकते हो, NaCl डाल सकते हो, कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, लवर होना चाहिए। अब देखो है क्या, इसको किसकी हो सकता, प्लस है ना, किसे हो सकता, तो बता ई सब में माइनस है कि नहीं, तो मान लो KCl डालोगे तो क्लोरीन यहाँ पे मूव करके आएगा, कहाँ पे आएगा, बिलियन में आएगा ना, तो कहाँ बना लेगा, कहाँ बना लेगा, ZnCl2, न्यूट्रल हुआ कि नहीं, अब न्यूट्रल हो गया। उसी प्रकार माइनस इधर आया है तो प्लस किधर जाएगा, किधर जाएगा, इस बिलियन जाएगा ना, जब सल्फेट के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, सल्फेट के साथ कौन, K2SO4, यानी बिलियन की उदासीनता का हो गया, कंट्रोल हो गया। इसीलिए लवर सेतु का कितना कार्य, दो, पहली बात देखो, प्लस माइनस था ना, उदासीनता को क्या किया, कंट्रोल, कंट्रोल किया कि नहीं, और दूसरा क्या किया है, परिपथ को कंप्लीट, इसके बिना करंट का फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, ठीक ना, क्योंकि इधर से ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे पूरा मूव कर जाएगा, एक राउंड मूव होना चाहिए परिपथ में, टोटल एक राउंड, ठीक ना, यहां यहां से स्टार्ट किया, यहां घूम करके यहीं आना चाहिए, अगर बीच में कहीं पे टूटा, जैसे देखो यहां पे क्या था, अभी बैटरी का एग्जांपल दिए थे ना, बैटरी का एग्जांपल दिए थे, ठीक ना, यहां पे तुम दो कनेक्शन तार कर लिए, यहां पे क्या जला दिए थे, बल्ब जला दिया, थोड़ा सा यहां पे टूटा, बल्ब जलेगा, करंट बहेगा ही नहीं, ठीक ना। उसी प्रकार ये रहा तुम्हारा गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल का स्टोरी, समझ में आया, एक बार शॉर्ट में फिर से समझो। पहले दो क्वेश्चन तो किसे पूछ देता है, लवर सेतु, लवर सेतु का क्या कार्य है, पहला कार्य क्या है, परिपथ को पूर्ण किया, कंप्लीट किया, दूसरी बात उदासीनता को बनाए रखा, क्या किया, उदासीनता को बनाए रखा, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डीएनए सेल गैल्वेनिक सेल में, दो, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, एक जिंक का होता है और एक किसका होता है, कॉपर का होता है। उसमें क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा, अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर किधर से मूव कर लेगा, किधर, ऐसे मूव कर लेगा ना, क्यों, करंट किधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर किधर, इधर मूव करेगा, इधर मूव कर लेगा, ठीक है ना। तो ये रहा गैल्वेनोमीटर से पता चल जाता है कि अब सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, चाहे तुम यहाँ पे बल्ब लगा दो, क्या कर दो, बल्ब लगा दो, बल्ब भी क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। और एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, और कॉपर कैथोड पर क्या होता है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और यह प्रक्रिया चलते रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि जिंक रॉड क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और जिंक का नष्ट हो जाने से ही उसी टाइम ये सेल भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये रहा तुम्हारा डेनियल सेल, समझ में आया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, ठीक ना। चलो लिखो, उसमें अब हेडिंग डाले थे ना, क्या डाले थे हेडिंग, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक ना। चलो लिखो, डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का ही प्रारूप है, डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का ही प्रारूप है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब फिगर बना लो, टूटने फूटने वाला मत बनाना ना, सिंपल बनाना, वो समझाने के लिए बताए थे। इसमें डालना तुम लोग क्या, KCl, कोई एक लवर ना, ये रिएक्शन बाद में करना ना, पहले खाली फिगर बनाना, रिएक्शन नहीं करना है ना, रिएक्शन बाद में लिख पाएंगे। अगर इतना तुम एग्जाम में आ जाता है, अगर फिगर इतना बना करके खाली रिएक्शन कर देते हो ना, तो टोटल नंबर मिलेंगे तुम्हें,